सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बहुत ही खास चीज़ जो आप थंबनेल में देखे होंगे, किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा एक SMPS 12 वोल्ट से 24 या फिर 35/35 का जो कन्वर्टर होता है वो इसमें है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा जो 12 से 24 या फिर 35/35 का जो कन्वर्टर होता है वो इसमें है। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग लोगों के पास जो ट्रांसफार्मर है वो 12 वोल्ट के होता है या फिर 12/12 का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो जो हमारा 24/24 जो एम्पलीफायर बोर्ड या फिर बहुत सारे 2AC5200 या फिर 2N3773 का जो बोर्ड होता है, ऑडियो बोर्ड, उसमें पावर सप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो बोर्ड है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इधर 12 वोल्ट का जो बैटरी या फिर 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें आप लाइन देकर 24/24 से लेकर 35/35 का वोल्टेज जो है पावर सप्लाई वो आप ले सकते हैं। दोस्तों ये 500 एम्पियर तक आपको आसानी से दे देगा। अगर आपका ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी हाई वोल्टेज का होता है या फिर मैक्सिमम आपका जो 10 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो हो जाएगा, तो ये आपका 500 एम्पियर से ज़्यादा आपको इसमें पावर सप्लाई आउटपुट आपको दे देगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कनेक्शन। तो सबसे पहले कनेक्शन देखने के लिए आपको इधर कुछ नज़र आएगा जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, तो इसमें सोल्डरिंग किया हुआ था पहले से ही, तो मैं फिर से सोल्डर नहीं कर रहा हूँ, इसमें से ही आपको बता रहा हूँ। इधर आपको एक पिन दिख जाएगा जो कि BAT- करके लिखा हुआ है, ये हमारा बैटरी नेगेटिव का पिन है दोस्तों। और दूसरा जो है ये BAT+, ये हमारा बैटरी पॉजिटिव का पिन है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं, इसका इनपुट दे के इसका मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इसका वोल्टेज सही नहीं आता है। तो दोस्तों किस लिए सही नहीं आता है वो भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये कुछ इधर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा 12/24 और 35 DC to DC, मतलब ये DC वोल्ट आप इस पर इनपुट करोगे तो आपको DC वोल्ट ही इसमें से आउटपुट करके देगा। तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा और प्लस और माइनस इधर तीन दिख जाएगा। इधर प्लस और माइनस समझने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यह हमारा प्लस माइनस इसलिए दिया गया है, इधर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो पहले से ही जो हमारा ऑडियो बोर्ड होता है उसमें रेक्टिफायर ब्रिज नहीं बना हुआ होता है कई सारे बोर्ड जो होता है उसमें, तो इसमें आपको रेक्टिफायर ब्रिज बनाकर ही आपका ये ऑडियो ये पावर सप्लाई आउटपुट करता है। तो यह इसका वोल्टेज अगर आप नापोगे तो मल्टीमीटर से आपका सही वोल्टेज नहीं बता पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वो 35/35 भी हो सकते हैं या फिर 24/24 भी हो सकते हैं। तो आप जितने जो वोल्टेज है उसमें जितना वोल्टेज आपका ठीक ठाक ले पाएगा उतना ही ये जो बोर्ड है इसमें से देगा। आपको समझने के लिए ये मेरी बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये 12 वोल्ट है, इसमें अगर आप इनपुट करते हो इधर से तो हमारा इधर जाके हमारा 24/24 आउटपुट करता है। तो दोस्तों अगर आपका जो ऑडियो बोर्ड है उसमें आपका 35/35 जो पावर सप्लाई है वो लगाना है तो इसमें यही बोर्ड से आपको 35/35 देगा, और अगर आप उसमें 24/24 यूज़ करना चाहते हो तो यही बोर्ड आपका 24/24 से आउटपुट देगा, सिर्फ एक ही तार से, तीन तार से। तो यही था वीडियो। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इसका जो पावर सप्लाई है ये ठीक ठाक नहीं दिखाता है, तो वो घबरा जाते हैं कि ये ठीक ठाक क्यों नहीं दिखा रहा है या फिर बहुत सारे कुछ वो समझ लेते हैं। तो इसका कोई खराबी नहीं दोस्तों, इसका कोई रीज़न नहीं कि ये ख़राब है या फिर बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं, तो इसका ऐसा कोई बात नहीं। इसमें आप पहले इसका इनपुट कर देंगे तो ये आपका पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वीडियो कुछ इस प्रकार का था, और अगर आप इसमें सिर्फ 24/24 लगाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों।
तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था, इसका इस्तेमाल कैसे करता है वो उसके लिए वीडियो मैं बाद में बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, और इसका कनेक्शन समझने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर अपडेट जो है वो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।